फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम मिंजुन को मुंह में ब्रेड पकड़े हुए स्कूल के लिए भागते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ से एक लड़की अपने फोन में मग्न होकर आ रही होती है। इस लड़की का नाम युकियो है। दोनों अपने में बिजी होते हैं और दोनों आपस में टकराकर गिर जाते हैं। मिंजुन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कहाँ देखकर चल रही हो। तभी उसका ध्यान सामने गिरी लड़की पर जाता है, जिसकी स्ट्रॉबेरी डिजाइन वाली अंडरवेयर उसे दिखाई देता है। ये देखकर उसको जोर से खांसी होने लगती है और इसी टाइम से किसी भी लड़की का अंडरवेयर देखते ही उसे खांसी होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। युकियो शर्म से खुद को छुपाते हुए मिंजुन को छिछोरा कहती है। मिंजुन कहता है कि मैंने तुम्हारा अंडरवेयर देखने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कहती है कि आज मैं शॉर्ट्स पहनना भूल गई। मिंजुन कहता है कि कोई शॉर्ट्स पहनना कैसे भूल सकता है। युकियो कहती है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मिंजुन चिल्लाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर वो कहता है कि इसकी ड्रेस तो मेरे स्कूल की तरह लग रही है, लेकिन ये उल्टी दिशा में क्यों जा रही है। दूसरी तरफ क्लास में एक लड़का सबको बताता है कि जो न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास में आ रही है उसका नाम युकियो है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर लड़के खुशी से पागल हो जाते हैं। साइड में बैठी लड़कियां कहती है कि सारे लड़के सेम होते हैं, उनको सिर्फ सुंदर लड़कियां पसंद आती है। पहला लड़का कहता है कि तुम सब भी सुंदर हो। ये सुनकर वो लड़कियां उसे घूरने लगती है। दूसरे लड़के कहते हैं कि तुम लोग इतना चिड़क्यों रही हो। लड़कियां कहती है कि तुम लोग युकियो के आने से इतना खुश हो, हम भी चाहते हैं कि हमारी क्लास में हैंडसम लड़का आए। तभी उनकी क्लास टीचर आती है और कहती है कि हमारी क्लास में नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ये सुनकर सारे लड़के युकियो का नाम लेने लगते हैं। टीचर न्यू स्टूडेंट को बुलाती है। साइड से मिंजुन एंट्री लेता है। उसे देखकर सारे लड़कों का मुंह उतर जाता है। टीचर कहती है कि ये हमारी क्लास में आने वाला न्यू स्टूडेंट है। फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। मिंजुन अपने बारे में सब बताता है। सारी क्लास सोचती है कि ये अपने बारे में इतनी अजीब तरह से क्यों बता रहा है। टीचर कहती है कि तुम्हारी दाढ़ी बहुत अजीब लग रही है, नेक्स्ट टाइम इसे काट कर आना। क्लास सोचती है कि सिर्फ दाढ़ी ही नहीं, ये खुद पूरा अजीब लग रहा है। मिंजुन कहता है कि अगर मैं दाढ़ी काट भी लेता हूँ तो भी नेक्स्ट डे फिर से मेरी दाढ़ी बढ़ जाती है। टीचर कहती है कि क्या ये कोई श्राप है। मिंजुन कहता है कि ये श्राप से भी ज्यादा बुरा है। टीचर कहती है कि फिर तो तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी। सारी क्लास सोचती है कि आप इतनी आसानी से इसकी बातों में कैसे आ गई। फिर टीचर उसे उसकी सीट पर जाने को कहती है। इसके बाद टीचर किसी का वेट कर रही होती है। तभी साइड से युकियो वहाँ आती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि रास्ते में मुझे एक छिछोरा गोरिल्ला मिल गया था और मैं रास्ता भी भटक गई। उसे वहाँ देखकर सारे लड़के खुश हो जाते हैं। मिंजुन भी उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। युकियो उसे गोरिल्ला कहती है। मिंजुन उसे स्ट्रॉबेरी कहता है। ये सुनकर युकियो उसे छिछोरा कहती है। इसके बाद मिंजुन की स्कूल लाइफ मुश्किल हो जाती है। क्लास में सारे लड़के युकियो को घेर कर उसकी चापलूसी कर रहे होते हैं। पीछे से मिंजुन कहता है कि क्या ये कोई सेलिब्रिटी है। युकियो सबसे कहती है कि अब से हम इसे इग्नोर करेंगे। सबके सब तुरंत मान जाते हैं। लड़के मिंजुन के पास जाकर उसे धमकाते हुए युकियो से दूर रहने को कहते हैं। मिंजुन युकियो के पास जाकर कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा स्ट्रॉबेरी वाला अंडरवेयर देख लिया था। ये सुनकर पहले तो लड़के चौंकते हैं, फिर तो उन्हें मिंजुन से जलन होने लगती है। युकियो उसे चुप रहने को कहती है। मिंजुन कहता है कि सुबह हम दोनों की ही गलती थी, चलो हम सुबह की बात को भूल जाते हैं। लेकिन युकियो मना कर देती है। तीनों लड़के फिर से मिंजुन पर धौंस जमाते हुए उसे धमकाने लगते हैं। मिंजुन कहता है कि अगर अब तुम में से किसी ने बीच में बोला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। पीछे से तीनों लड़कियां कहती है कि हमें ये बालों वाला गोरिल्ला इतना पसंद क्यों आने लगा है। मिंजुन कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। पीछे से लड़कियां कहती है कि वाओ, ये कितना कूल है। छुट्टी के बाद रास्ते में एक लड़का युकियो का हाथ पकड़कर उससे उसका फोन नंबर मांग रहा होता है। युकियो कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। पीछे खड़े आदमी को देखकर वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो। युकियो देखती है कि वहाँ पर मिंजुन खड़ा होता है। युकियो उसे डैड कहते हुए उसके गले लग जाती है।
ये देखकर मिंजुर उसे अजीब नजरों से देखता है। युकियो कहती है कि ये लड़का मुझे डरा रहा है और मुझसे मेरा फोन नंबर मांग रहा है। मिंजुर उसे फिर से अजीब नजरों से घूरता है। युकियो उसे आंख मारकर अपनी हेल्प करने को कहती है। वो लड़का मिंजुर को ससुर जी कहता है। मिंजुर कहता है कि मैं तुम्हारा ससुर कब से बन गया। फिर वो कहता है कि ये बातें तो हमने फ्यूचर में की थी। वो लड़का कहता है कि हाँ शायद हमने की थी। मिंजुर उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। युकियो उसे थैंक्स कहती है। मिंजुर उसे खुद से दूर होने को कहता है। तब युकियो उससे अलग होती है। वो कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें इसलिए हग नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिंजुर कहता है कि मुझे पता है, जाओ तुम अपने घर जाओ। फिर मिंजुर अपने घर के लिए जाने लगता है। तभी युकियो उसे रोकती है। वो कहती है कि मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। मिंजुर कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ फिर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बस इतना ही कर दो। युकियो पूछती है कि क्या तुम मुझे हिट करते हो। वो हाँ कहता है। युकियो इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि बस तुम मुझे पसंद नहीं हो। युकियो कहती है कि लेकिन मैं तो क्यूट ब्यूटीफुल और सेक्सी हूँ। वो कहता है कि तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो। युकियो कहती है कि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। वो कहता है कि तुम तो मुझे बहुत थकी थकी लग रही हो। युकियो कहती है कि देखो मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। मिंजुन कहता है कि अगर तुम इतनी ही खुश हो तो फिर ऐसे दिखाओ जैसे कि हम दोनों अनजान हैं। ऐसा कहकर वो जाने लगता है तो युकियो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। अब मिंजुन इरिटेट हो जाता है। वो कहता है कि तुम चाहती क्या हो। युकियो कहती है कि तुम मुझे दूर करने की कोशिश करते रहते हो इसलिए मैं तुमसे और चिपकती रहती हूँ। मिंजुन कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। युकियो कहती है कि असल में तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या करूं। मिंजुन कहता है कि क्या तुम खुद को प्रिंसेस समझती हो। युकियो पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है। वो कहता है कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा। युकियो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। युकियो कहती है कि तुम ही मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो। युकियो कहती है कि हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं टाइम में पीछे जाकर तुम्हें पैदा होने से रोक देती। वो कहता है कि फिर हम दोनों का अजनबी बनना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन युकियो मना कर देती है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं 18 साल का हूँ लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया है। युकियो खुश होते हुए कहती है कि फिर तुम जल्दी मर जाओ। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो। युकियो कहती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं पागल बन गई हूँ। वो कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ। युकियो उसे अपने घर चलने को कहती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। युकियो कहती है कि अगर तुम मेरे घर चलोगे और मेरे साथ 2 घंटे तक रहोगे तो मैं तुम्हें फिर से कभी परेशान नहीं करूँगी। ये सुनकर वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को युकियो के रूम में बैठा देखते हैं। फिर युकियो उसे पानी के लिए पूछती है। वो हाँ कहता है। फिर जब वो पानी पी रहा होता है तो उसका ध्यान सामने बैठी युकियो के अंडरवियर पर जाता है। उसे खांसी आ जाती है। युकियो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे कमरे में ये क्या कर रहे हो। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए उसे उसके अंडरवियर पर ध्यान देने को कहता है। तब युकियो का ध्यान अपने अंडरवियर पर जाता है। युकियो उसे छिछोरा कहती है। वो कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है जब तुम खुद बार बार मुझे दिखा रही हो। युकियो कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। वो कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। युकियो उसे गेम खेलने को कहती है। दोनों साथ में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। मिंजुन कहता है कि 1 घंटे के बाद तुम मुझे परेशान करना बंद कर देना। युकियो कहती है कि अगर तुम मेरी एक विश पूरी करोगे तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। वो उसकी विश पूछता है। युकियो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और तभी युकियो उसे किस कर देती है। अब मिंजुन को बड़ा झटका लगता है। युकियो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।